हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चलाड़ी क्लासेस। मैं आप लोगों को इस वीडियो में लघुगणक की पहली वीडियो, ये पहली वीडियो है। लघुगणक को अंग्रेजी में लॉगरिथम कहते हैं। लघुगणक क्या होता है कि जैसे हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा भाग या जो भी संक्रिया करते हैं तो उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो लघुगणक के माध्यम से ये गुणा भाग जो भी होता है वो आसान हो जाता है। लघुगणक की परिभाषा क्या होती है कि दिया हुआ आधार किसी संख्या का वह लघुगणक है जो आधार पर घातांक लगा के प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि लघुगणक का मतलब, यानी लघुगणक की परिभाषा होती है कि दिया हुआ आधार किसी संख्या का वह लघुगणक होता है, यानी कि वह लघुगणक संख्या होती है। दिया हुआ आधार किसी संख्या का वह लघुगणक है, या ऐसे कर लीजिए कि दिए हुए आधार का लघुगणक वह संख्या है, दिए हुए आधार का लघुगणक वह संख्या है जो आधार पर घातांक लगा के प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर आधार जो है, जो आधार है उसके ऊपर अगर हम घात लगाते हैं तो वो संख्या हमको प्राप्त होती है, तो उसको कहा जाता है लघुगणक। ठीक है, यानी लघुगणक का मतलब होता है, लघुगणक की परिभाषा है कि दिए हुए आधार का लघुगणक वह संख्या है जो आधार पर घातांक लगा करके प्राप्त किया जाता है। ऐसे समझिए जैसे अगर ए है, मान लो कोई संख्या ए है, ठीक है, और ए के ऊपर अगर हम एम घात लगा करके बी को प्राप्त करते हैं, यानी कि ए पे पावर एम बराबर है बी। ठीक है, यानी कि ए की घात अगर हम m लगा करके b प्राप्त करते हैं, यानी कि a के पावर m इक्वल टू क्या है, b। अब इसको अगर लघुगणक में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर लघुगणक में लिखना हो तो इसको पढ़ेंगे आधार a पर b का लघुगणक m होगा। ठीक है, आधार ए पर बी का लघुगणक बराबर एम, यानी ऐसे इसको लिखते हैं लॉग बेस ए बी बराबर एम, ये हो गया इसका लघुगणक की रूप में, हो गया लॉग ए बी बराबर एम, इसको लघुगणक का रूप बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है, यानी लघुगणक की परिभाषा देखिए, समझ में ना कि लघुगणक की लघुगणक क्या होता है कि किसी दिए हुए आधार पर लघुगणक वह संख्या है, किसी दिए आधार का लघुगणक वह संख्या है जो उस आधार पे घात, जो उस आधार पे घात लगाने पर प्राप्त हो जाती है। जो आधार होता है उसके ऊपर, यानी किसी आधार पे जो घातांक लगाया जाता है, घातांक लगाने पर उसको प्राप्त किया, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना a के पावर m बराबर b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका लघुगणक log a b, मतलब आधार a log b बराबर कितना आया, m। तो m कैसी संख्या है, m जो है एक ऐसी संख्या है कि अगर आधार पे अगर हम घात लगाते हैं तो ये log हमको मिल जाता है। समझाया ना कि किसी आधार का log, किसी आधार का लघुगणक वह संख्या है, यानी कि जो आधार है उसके साथ जो लघुगणक होगी वह संख्या होगी जो आधार के ऊपर घात लगाने पर, आधार के ऊपर वो घात लगाने पर प्राप्त हो जाएगी। यानी कि देखिए a के घात अगर m लगाते हैं तो हमको क्या होगा, b मिल रहा है ना, a के घात अगर m लगाते हैं तो b मिल रहा है, यानी कि आधार a log b बराबर इसको लिखेंगे m, ये हो गया आपका लघुगणक की रूप, और इसको पढ़ते हैं आधार a पर b का लघुगणक, आधार a पर b का लघुगणक बराबर कितना हो गया m। यानी इनके कहने का मतलब है कि लघुगणक का मतलब हो गया कि किसी भी आधार पर
किसी संख्या का लघुगणक, जैसे आधार हमने ए लिया था, देखिए आधार ए है, ठीक है, संख्या कौन सी है, बी है, बी का लघुगणक जो होगा ऐसी संख्या होगी जो ए के घात, मतलब ए के कितनी घात लगा दिया जाए कि बी मिल जाए हमको, ए के घात कितनी लगाएं, हमने ए के कितना पावर लगाएं, ए पर कितना पावर लगाया जाए कि बी प्राप्त हो जाए, उसी को बोलेंगे उसका लघुगणक, यानी कि लघुगणक का जो आंसर होगा वही होगा यहाँ पे देखिए एम, ठीक है, यानी किसी संख्या, यानी किसी आधार, दिया हुआ आधार किसी संख्या का वह लघुगणक है जो आधार पर घातांक लगा के प्राप्त किया जाता है, यानी यहाँ पे देखिए आधार ए है लॉग बी है, आधार ए लॉग बी, यानी कि आधार ए पर बी का लघुगणक निकालना है, तो आधार ए पर जो बी का लघुगणक होगा, यानी कि ये जो बी का लघुगणक जो होगा वो ऐसी संख्या होगी जो इस आधार के ऊपर घात लगा करके प्राप्त की जा सकती है, जैसे ऐसे समझिए अगर 2 के घात 3 है, 2 के घात 3 कितना होगा 8, 2 के घात 3 बराबर 8 होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 के घात 3 बराबर अगर 8 है, अब इसको लघुगणक में लिखना है, इसको लघुगणक में लिखना है तो क्या लिखेंगे, अगर इसको लघुगणक में लिखना है तो लिखेंगे देखिए ये आधार होता है और ये घात होता है, पता है ना, इसको आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं, अब यहाँ भी लिखेंगे ऐसे आधार 2 पर 8 का लघुगणक, आधार 2 पर 8 का लघुगणक कितना होगा 3, यानी कि आधार 2 log 8 बराबर 3 ही होगा आंसर, ठीक है, यानी कि लघुगणक का मतलब होता है, यानी लघुगणक की परिभाषा होती है कि किसी दिए हुए आधार पर लघुगणक वह संख्या है, यानी या ऐसे कर लीजिए किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का जो लघुगणक होता है वो आधार के ऊपर जितनी घात लगाने पे वो संख्या प्राप्त होती है वही होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखा आधार 2 पर 8 का लघुगणक कितना है 3, आधार 2 पर 8 का लघुगणक कितना है 3, कैसे है इसको ऐसे लिख सकते हैं आधार 2 log 8 बराबर 3, यानी कि 2 के घात अगर 3 हम लगाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है, यानी 2 के घात 3 लगाने पे 8 प्राप्त होता है, तो इसका जो लघुगणक का आंसर आया कितना आया, यानी कि लॉग 8 का आंसर कितना आया 3 आया ना, जो लॉग 8 है उसका आंसर कितना आया है 3 आया है, तो 3 क्या है 2 की घात 3 ये हो गया 8, ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी घातांकी संख्या है और उसको लघुगणक में बदलना है तो इसके माध्यम से आप बदल सकते हैं, कोई भी घात वाली संख्या है, जैसे अगर दे दिया गया है 2 पे 4 दे दिया, 2 पे 4 बराबर 16, ठीक है, अब इसको लघुगणक में बदलना है तो क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, चाहे अगर हिंदी में दिया रहेगा तो हिंदी में, और अगर इस तरह से संकेत में दिया रहेगा तो संकेत में, लॉग जो है लॉग इसी का शॉर्ट फॉर्म है, लॉगरिथम्स का शॉर्ट फॉर्म है लॉग, ठीक है, लॉग जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है लॉगरिथम का, अब देखिए 2 पे 4 बराबर दे दिया 16, अब इसको बनाना है किसमें लघुगणक में बदलना है तो क्या लिखेंगे, ये आधार रहेगा, आधार 2 पर 16 का लघुगणक बराबर होगा 4, यानी हिंदी में लिखेंगे आधार 2 पर 16 का लघुगणक बराबर 4, किसी भी संख्या का जो आपके घात वाली संख्या है उसका आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, ऐसे अगर दे दिया 5 पे 2 देगा तो होगा 25, अब इसका आपको लघुगणक निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आधार 5 पर, देखिए यहाँ पे आधार कितना है 5 है, तो आधार 5 पर 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 का लघुगणक कितना हो जाएगा 2, यानी आधार 5 पर 25 का लघुगणक हो जाएगा 2, यानी ऐसे समझिए कि ये जो लघुगणक होगा, यानी कि जिसका हमको लघुगणक निकालना है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो नीचे यहाँ पे दिया गया है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, सॉरी डिवाइड इसके मतलब इसका फैक्टर कर लीजिए, और जो यहाँ पे आधार दिया गया है उसी से बार बार डिवाइड कीजिए,
जो फैक्टर होगा यानी कि गुणनखंड करेंगे जब, जैसे 25 है, 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 5 ही से काटना है, किसी अन्य संख्या से नहीं काटना है, ठीक है। तो जब 5 से काटेंगे तो जितनी बार मतलब जितना बार 5 आएगा गिन लेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 64 है, जैसे 2 के पावर 5, ठीक है, 32 हुआ। अब इसका लॉग निकालना है, लॉग निकालना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग यानी कि आधार 2, ये आधार है ना, आधार 2 पर 32 का लघुगणक कितना होगा, 5। अब देखिए यहाँ पे 32 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 16, 8, 4, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यानी ऐसे भी एक और इसका आंसर हो सक, एक और परिभाषा हो सकती है कि किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है कि अगर उस संख्या का गुणनखंड किया जाए, ठीक है, उस संख्या का गुणनखंड किया जाए तो आधार जितनी बार आया रहेगा वही लघुगणक होगा। कितना बार आया यहाँ पे आधार, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार आया ना, सिर्फ आधार ही से काटना है, अन्य संख्या से नहीं, जो आधार दिया गया है उसी से आपको डिवाइड करना है। तो जब यहाँ पे कितनी बार आधार है, यहाँ पे जो आधार 2 है ये 5 बार है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर घातांकी संख्या है यानी जिसके ऊपर पावर दे दिया गया है और उसको लघुगणक के रूप में बदलना है तो आप इस तरह से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पे 4 दिया गया है तो 2 पे 4, 2 के पावर 4 है बराबर 16 है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाग 2 सो यानी कि आधार दो लाग 16 बराबर 4, यानी आधार 2 पर 16 का लघुगणक कितना है, 4 है, ठीक है। अब इसके अपोजिट भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि लघुगणक में दे देगा उसको घातांक में बदलना होगा। जैसे अगर आपका इस सवाल को जैसे अगर दे दिया गया हो लाग 2 16 बराबर 4, ठीक है, इसका घातांकी रूप बदल करना है, देखिए घातांक में देगा तो लघुगणक में बदलना होगा और यदि लघुगणक में दे देगा तो उसको घातांक में बदलना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको सीधे इसके ऊपर ला देना है और फिर ये कर देना है आपको 16, ठीक है। यानी अगर लघुगणक दे दिया है आपको और उसको घातांक में बदलना है तो आप सीधे बस इसके पावर में ला देंगे, आधार ऐसे ही रहेगा, 2 के घात इसको यहाँ पर कर देंगे, उसको उस साइड कर देंगे। जैसे लॉग 5 125, ठीक है, आधार 5 लॉग 125, बेस 5 लॉग 125 इक्वल टू दिया है आपका 3। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इस 3 को इसके ऊपर ला लीजिए, 5 के पावर हो गया और हो जाएगा 100, यानी 5 के घात 3 बराबर 125। तो इससे आप क्या करेंगे, यानी ठीक है ना, यानी अगर लघुगणक देगा तो घातांक में बदलना होगा और यदि घातांक के रूप में देगा तो उसको लघुगणक में बदलने के लिए कहेगा, और इस तरह से आप लघुगणक से घातांक और घातांक से लघुगणक में बदल सकते हैं, ठीक है। फिर लघुगणक से मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे लघुगणक जो होता है ऋणात्मक संख्या, ठीक है दोस्तों, तो फिर लघुगणक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिप्स आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे सबसे पहला लघुगणक जो होता है, ध्यान दीजिएगा कि लघुगणक ऋणात्मक संख्या का नहीं होता है, लघुगणक ऋणात्मक संख्या का नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्या का जो लघुगणक, कोई भी लघुगणक नहीं हुआ है, जो ऋणात्मक संख्या होती है उसका लघुगणक नहीं होता है। फिर यदि किसी संख्या का आधार 1 है, ठीक है, और लॉग भी 1 पे निकालना है तो उसका लॉग जो होगा कोई भी संख्या हो सकती है, यानी यदि आधार 1 हो तथा लॉग भी 1 हो तो लघुगणक कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। यानी यदि आधार और लॉग दोनों अगर 1 हो तो लघुगणक जो होगा कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि 1 के पावर है a, इसके बराबर है 1,
तो इसका लघुगणक क्या हो जाएगा, लॉग एक एक बराबर कितना होगा ए। फिर अगर दे दिया है लॉग एक के पावर टेन इक्वल टू एक है, तो लॉग एक एक हुआ ना। तो यानी कि यदि किसी भी संख्या का जो आधार भी एक हो और लॉग भी एक हो, यानी अगर किसी संख्या का आधार भी एक हो और उस पर जो लॉग निकल रहा वो भी एक हो, तो उसका जो लघुगणक हो सकता है जो होता है वो कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, फिर किसी भी आधार पर यदि वो एक से बड़ा है, जो आधार है यदि एक से बड़ा है और तो धनात्मक, किसी भी आधार पर अगर आधार एक से बड़ा है तो धनात्मक संख्या का लघुगणक अद्वितीय होता है। ठीक है, यानी किसी भी आधार पर अगर वो आधार जो एक से बड़ा यानी कि धनात्मक है, किसी धनात्मक संख्या का जो लघुगणक होगा वो जो होगा आपका अद्वितीय होता है। फिर किसी आधार पर ठीक है शून्य का लघुगणक, शून्य का लॉग अपरिमित होता है। अपरिमित का मतलब हो गया अनंत, यानी किसी आधार पर जो शून्य का लघुगणक होगा वो जो होगा आपका अपरिमित होगा। कैसे कैसे, देखिए अगर एक एक पावर इनफाइनाइट है तो ये होगा जीरो, तो क्या हो जाएगा आधार ए पर लॉग जीरो बराबर अपरिमित। दो पे अगर इनफाइनाइट है तो बराबर जीरो, तो आधार दो पर लॉग जीरो बराबर अपरिमित का मतलब हो गया कि अनंत। ठीक है, यानी किसी आधार पर जो शून्य का लॉग होता है वो अनंत होता है, और जो संख्याएं होती हैं मतलब ज़्यादातर जो संख्याएं होती हैं अगर उनके नीचे बेस नहीं दिया गया होता है तो उसका बेस जो होता है 10 को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आप लोगों को इसके अगली वीडियो में जो लॉग के जो फार्मूले हैं और लघुगणक के सवाल जो आपके पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे गए हैं उसको लेकर के आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके।